Hey, hello guys, welcome back to my channel. Hey, hello everyone, this is Arshi Sepi and welcome back to my channel. तो अभी देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले हम उठे हैं और मैंने सोचा है कि आज का जो ईद है, ईद व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ. तो कैसे कैसे घर में क्या क्या होता है, बकरी ईद है आज, तो सबको ईद मुबारक हो. और मैंने अभी तक मुंह भी नहीं धोया है, आँखों में लिटरली मुझे सुबह उठ के दर्द होता है बहुत ज़्यादा. तो स्टे ट्यून्ड. सुबह उठ के सबसे पहले मैं अब नीचे जा रही हूँ और हम पियेंगे ग्रीन टी. तो ग्रीन टी पीऊँगी मैं नीचे जाके पानी गर्म करके. यहाँ बन रही है खीर, अभी दूध उबल रहा है तो इसकी बनेगी खीर. तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में ग्रीन टी लेके. मेरे भाई दोनों और मेरे अब्बू सब नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और नीचे बन रही है खीर ईद की. और ये है ग्रीन टी जो कि मैं अभी पीने वाली हूँ. मेरा रूम देखिए कितना फैला हुआ है. अभी सफाई करूँगी मैं क्योंकि सबसे पहले दिन की शुरुआत मेरी मतलब ईद है आज. तो नॉर्मल भी गर्म पानी से ही होती है. और अभी घर का बहुत सारा काम होगा, सारी सफाइयाँ होंगी नीचे, यहाँ पर्दे लगाऊँगी, कर्टन्स लगाऊँगी सारे, और नीचे भी बेडशीट जो मैं कल शॉपिंग करके लेकर आई थी वो लगाऊँगी. ग्रीन टी पीने के बाद मिलते हैं. ये मेरा अबू ईद मुबारक कह रहा है. ईद मुबारक हो. ईद मुबारक हो मेरे अबू की तरफ से. दीपांशु का मैसेज आया हुआ है. सी दीपांशु का मैसेज है ये. ईद मुबारक हो. प्रत्यक्षा, रितिका. मैं अभी पता है क्या कर रही हूँ, मैं प्रत्यक्षा ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, उसका मैसेज पढ़ रही हूँ कि उसकी एक फ्रेंड है रितिका, उसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है एंड उसको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है. थैंक यू सो मच. तो अब मैं करूँगी रूम की सफाई अपने और अब्बू के. तो फिर मैं शुरू करती हूँ सफाई करना. स्पेशली तो अभी मैं लगाऊंगी ये वाले.
पूरा घर जो है वो अच्छे से साफ कर लिया है, ऊपर पूरा फर्श सब साफ कर लिया, और ये मेरे अबू का कमरा जो कि साफ कर लिया। देखो मेरे अबू मटके का पानी पीते हैं, इसलिए यहाँ पर मटका रखा हुआ है। नीचे अम्मी की आवाज़ आ रही है, अब मेरे मटके का पानी पीते हैं, अबू और मैं भी दोनों मटके का पानी पीते हैं। सफाई हो गई है अब। मेरी चादर, मेरी बेडशीट कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी है ना। मेरा कमरा ऐसे है और अबू का कमरा वहाँ है, बुरा आमने सामने दो कमरे हैं। मेरी हालत ये देखिए, टाइम देखिए 10 बज रहे हैं और सारा काम निमट गया है, सब काम फिनिश हो गया है। मेरे कमरे की सफाई, अबू का कमरा साफ हो गया है। आपको यानी कमरे में देखो, मेरे अबू के कमरे में मैं खड़ी हूँ और यहाँ से वो मेरा कमरा दिखता है, वो मेरा कमरा दिखता है। यहाँ मैं अबू के कमरे में खड़ी हूँ, जैसे अबू का कमरा है यहाँ पे आके, और ऐसे ऐसे पीछे जाएंगे तो ये मेरा कमरा है। इसलिए मुझे ईद बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि ईद पर जो है जल्दी जल्दी सारा काम निमट जाता है। जहाँ हम 10 बजे सो के भी नहीं उठते हैं, हमारा जो काम है ईद का वो खत्म हो जाता है। मैंने अभी अबू के कमरे की सफाई अपनी कर ली, नीचे सब काम कर रहे हैं इसमें का, सब काम नीचे भी हो गया, यहाँ भी हो गया। मेरे बाल कैसे लगे छोटे छोटे, ये है पूरे इतने वाले। तो अब शायद नहीं, बिरयानी बनेगी हमारे घर में, तो मुझे बनानी है बिरयानी। तो मैं नीचे जा रही हूँ अब खाना बनाने, और खीर जो है वो बन चुकी है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई। खीर के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, और मैं अभी ये पहनने वाली हूँ, ये वाइट कलर का फ्रॉक। इल्मा के कपड़े ये हैं, ये ब्लैक एंड ये वाइट कलर, और ये है हिबा का ड्रेस। तो अभी जब सब तैयार होंगी ना तो मैं दिखाऊंगी। तो मैं अब जा रही हूँ नीचे बिरयानी बनाने। मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। खीर के लिए खीर की प्रिपरेशन। अम्मी ने पूरे घर की बेडशीट जो है रात को सब बना ली थी, अब सबू के जो कुछ तकिए के जो पिलो कवर थे वो रह गए थे, अम्मी पिलो कवर बना रही हैं। ये मेरी अम्मी जो प्यारी सी चंदा सी, देखो जो मैं अभी बेडशीट बिछा के आई हूँ अबू के बेड पे, बस ये बनने रह गए थे पिलो कवर। अम्मी कितनी प्यारी लग रही है मेरी। हाँ, मेरी अम्मी ने जो सिलाई है वो किसी से नहीं सीखी, खुद से अम्मी को सिलाई कैसे आई थी, अम्मी के कुड़िया के कपड़े किसी ने सिल दिए थे और उसने पैसे बहुत ज़्यादा बता दिए थे, तो अम्मी ने कहा 1.5 रुपया मांगा था अम्मी से सिलाई का, और फिर अम्मी ने क्या करा कि मैंने 1.5 रुपये क्यों दूँ तुझे, पूरी सिलाई उधेड़ दी उसकी और वापस से सिया पूरा गुड़िया का सूट। ऐसे अम्मी को हमारी सिलाई आई, और अम्मी हमारी जोश में आ गई थी कपड़े सीने के, अब मैं खुद सीऊँगी। तब से हमारी अम्मी खुद से सीती हैं कपड़े। मेरी अम्मी की स्माइल देखो, बिल्कुल मतलब मेरी स्माइल बिल्कुल अम्मी जैसी है ना। इन्हीं पे गई हूँ मैं, इन्हीं पे। दोनों मेहंदी दिखाओ, हाथ दिखाओ, दिखाओ कैसे लगाई मेहंदी। ओहो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के हाथ, और मैंने मेहंदी लगाई नहीं, मतलब फट। ये देखो हिबा के हाथ, अरे वाह हिबा, हिबा को पता नहीं चला, मैंने उसे दिखा दिया। कितनी खूबसूरत लग रही है इन दोनों की मेहंदी। इल्मक मतलब मेरे नहीं लगाई मेहंदी, दोनों हाथ मेरे ऐसे ही रह गए। कितने प्यारे लग रहे हैं मेहंदी वाले हाथ। अनस हमारा भाई ईदी दे रहा है ईदी हिबा को। भाई मुझे भी दीदी, भाई भाई तुम मुझे दो, तुम बड़े हो तो भाई भाई हो तुम हमारे, तुम दीदी नहीं दोगे हमें। हाँ इन्हें मिल गई दीदी, मुझे नहीं मिली। सच में दे रहा है क्या? कितना वीडियो के लिए। चल तू छोटा है, तू मत दे मुझे। हमारा जो भाई है वो ईदी देकर तैयार हुआ है, ईदी देकर तैयार हुआ है मेरा भाई। ये मेरे से छोटा वाला भाई है। भाई ईद मुबारक कह दो, ईद मुबारक। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मेरा भाई। रमीजा है, क्या देना है खीर? ईद मुबारक रमीजा, ईद मुबारक कह दो। ये कौन लेकर आया है अंदर? ये क्या है? वो है ना दही बड़े, ये शायद
रहे हैं। ओके तो ठीक है, अभी पड़ोस से अभी ये सिलसिला थोड़ा चलता रहेगा। हमारे घर देखो मेहमान आए हैं, आलिया, आलिया है ना इसका नाम, आफिया, लाओ ईदी दो मेरी। ओए ईदी, ईदी मिली है मुझे ईदी, इसने तो दी नहीं मुझे ईदी, ये जो लेटा हुआ है, देख ईदी मिली है मुझे ईदी। हाँ मैं बड़ी हूँ, बड़ों का देने पर देना चाहिए ना, भाई छोटे हो या बड़े हो भाई को देनी चाहिए। हाँ भाई देख भाई 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 दी, अब तो पता चल गया, अब तो दे दो, छोटे लेते हैं बड़े देते हैं, मुझे ईदी जो है मिल गई है, थैंक यू। ऐसे एक ही बार ही थोड़ी मिलते हैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ बिरयानी की प्रिपरेशन, लहसुन अदरक और गरम मसाले। मैं कभी बाद में इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बट आज तो बहुत ज़्यादा काम है इसलिए रेसिपी शेयर नहीं कर सकती, तो बस दिखा रही हूँ थोड़ी सी प्रिपरेशन बिरयानी की, दैट्स इट। ओह माय गॉड, तो ये खीर मैंने अभी अभी इसमें निकाली है सारी, फ्रिज में रखने वाली हूँ मैं इसको, गोला डाल के एक एक करके सब में गोला डालूँगी मैं। अब फ्रेंड्स ये मेरा भांजा, ये दो बार रखो फ्रेंड्स, सिमी बोले भाई देखो तो कौन है, तो सिमी क्या कर लिया, व्लॉग बना रही हूँ। अरे वाह इधर खड़ी हो सिमी, और आप इन्हें तो सेम सूट पहना है। अरे वाह ये मेरी बड़ी बहन, मैं मिलाती हूँ बाद में, अभी तो आइए चलो। ईद मुबारक सिमी, ईद मुबारक खाला। अबू बिरयानी खा रहे हैं जो मैंने बनाई है अभी अभी। अबू कैसी है बिरयानी? शानदार, अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमा दे। आमीन। मेरी हालत दोपहर हो गई है, मुझे बिरयानी चढ़ाते चढ़ाते बहुत थक गई हूँ मैं, मेरा मिक्सी ख़राब हो गई एकदम से, और ज़्यादा लहसुन अदरक मेरे कपड़े पे गिर गया, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मेरा जो ये वाइट वाला फ्रॉक है ये रेडी है, इस पर प्रेस किया है मैंने अभी जैसी मुझसे हो पाई थकान में, तो मैं अभी ये पहनूँगी। बाल कैसे हो गए, मैंने जूड़ा बांधा हुआ था, तो आधे लोगों ने तो खाना खा भी लिया है, मैंने नहीं खाया है, मैं नहा लूँ पहले इसके बाद खाना खाऊंगी। और मेरी बड़ी बहन आई हुई है घर पे, तो फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे चटनी के साथ। ईद पे मैं बहुत, मेरी हालत ऐसी हो जाती है ईद पे, इतनी बुरी हालत अभी हो रही है। मैं मिलती हूँ फिर नहाने के बाद, बाय। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ये जो भी आउटफिट पहना है इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है मैंने, और मैं वही बना रही थी, थक गई, और 6 बज गए हैं, ईद के दिन भी मैं बहुत बहुत थक गई, खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी बहन से भी मिलवाऊँगी। तो इनसे मिलिए, देखो ये मेरा शैतान प्रिंस जो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा। रुक जा, इधर आओ प्रिंस, इधर आओ। ये मेरी बहन, बड़ी बहन मेरी, और मेरी भांजी, जिन्होंने दोनों देखो एक सा सूट पहना हुआ है, और ये मेरा शैतान सा, शैतानी करता है बहुत ज़्यादा,
मेरा भांजा चाय भी बहुत ही अच्छा है, चाय भी बना लेता है, मम्मा की मदद करता है अपनी। और ये मेरी सबसे बड़ी बहन है, और मैगी भी बना लेता हूं। मैगी भी बना लेता है प्रिंस, तो और दूध भी बना लेता हूं। दूध भी बना लेता है। तो सिडनी का जो सूट है देखिए, रह गई थी फ्रेंड्स को ही दे दी थी, ईदी मिल गई, कितनी खुशी है। चलो चलो, इतनी खुशी इतनी खुशी, चलो गले को ईदी तो मिलो, ईदी तो मिलो, मुझे गले मिलो। ईदी मिल गई सिम्मी, कितनी खुशी है ईदी मिलने से। ईदी मिल गई। आप जा रही हो? जा रही हो नानी। चलो बाय बाय कर दो सिम्मी, ऐसे बोलो मेरी अर्शी खाला का चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो मेरी अर्शी खाला का चैनल सरप्राइज करो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, मेरी अर्शी खाला का चैनल सरप्राइज करो, समझ गए ना आप लोग। और एक लाइक कर दो, बोलो लाइक कर दो, लाइक कर दो। 100 नहीं बस 100। ईदी अच्छा, मुझे भी ईदी मिली है, देखो मेरी बड़ी बहन की तरफ से ईदी मिल रही है आप सबको। अनीशा चलो तुम जा रही हो। आशा आप भी मुझे इतनी इतनी बड़ी बड़ी काश मुझे नानी की। अरे वाह, ईद पे कितना अच्छा लगता है ना जब ईदी मिलती है, और जब आप छोटे हो। आप भी मेरी जा रही है, देखो उसने कैसे मास्क। अरे दीदी हक है, हक ले लो तुम्हारा। और क्या, दोबारा बोलने के बाद चलो। वाह वाह वाह, दोबारा ये वाला हम कहाँ तुम कहाँ वाला। अरे हम कहाँ तुम कहाँ वाला बोलो, हम कहाँ तुम कहाँ, हम कहाँ तुम कहाँ, पता नहीं कहाँ मिलोगे तुम हमें। तो इसलिए ईद पे अपना हक ले लो, ले लो, छोड़ो मत, ना मिले तो छीन लो, समझे। ठीक, बच्चों का भी हक है अपने माँ बाप को छीन लो। हमें कैसी लग रही है, हमें थैंक यू थैंक यू। चलो दीदी तो लो, गिफ्ट में मोबाइल दे दिया। मोबाइल नहीं दीदी, अब पूरा दिन निकल गया, पता होने वाला है। ईदी मिल गई मुझे, तो मुझे अब्बू की जो ईदी होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो अब्बू की तरफ से ईदी मिल गई है मुझे, थक गई मैं, बहुत थक गई, मुझे बहुत सारी ईदी मिल गई आज। एक ईदी तो मेरी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने वीडियोस के चक्कर में। अब्बू की जो ईदी की बात होती है ना वो अलग ही होती है, मज़ा आ जाता है। मुझे तो इसके बिना ईद बहुत अधूरी लगती है, खीर के बिना। मेरी अम्मी के हाथों की खीर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैंने सुबह ये खीर फ्रिज में रख दी थी इन कटोरियों में निकाल कर, बहुत ही टेस्टी है। मैं जा रही हूँ मेरी बाजी के यहाँ उनसे मिलने, जिनका घर जो है वो मेरे घर के थोड़े से ही पास में है। तो आ रही हूँ छोटी सी प्यारी सी, ईद मुबारक। आप नंगू पुंगू क्यों बैठे हो,
खड़े तो हो? हंसती कैसे अलीना? आप नंगू पुंगू क्यों बैठे हो? नंगू पुंगू मैं तकली हो गई। तकली हो गई तुम? हम रिदा अपी को तैयार कर दें। ठीक है, तुम्हारे कपड़े लिया है? चलो हम लेने जा रहे हैं अलीना के कपड़े। अलीना के कपड़े लेने जा रहे हैं हम और रिदा को तैयार करते हैं। अलीना को देख लो क्या कर रही है। वो बर्थडे में तुम लोग कौन सा गाना गा रही थी? हम तो मजदूर हैं। हमारी रीदा रेडी हो गई। इधर आओ जल्दी से। आओ ये पहनाओ, ये पहनाओ। इधर साइड से दिखाओ, ये पहनाओ ना। पहना रही हूँ ना। रीदा का हेयर स्टाइल भी बनाया है मैंने। ये कैसा है रिदा हेयर स्टाइल? अच्छा है। ये ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। और मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ अब तो। आई होप आपको ये मेरा ईद व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी पहुँच जाए। और मैं मिलती हूँ मेरे किसी और मज़ेदार फैमिली के साथ वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।